एआईबी टेक में स्वागत है दोस्तों, आप सबका। दोस्तों फायरबोल्ट की एक और नई स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट अल्माइटी टीज हो चुकी है। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह बाहर निकल के आ चुके हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इसी फायरबोल्ट अल्माइटी के बारे में सारे कुछ डिटेल्स वगैरह आपको दे देता हूँ और साथ ही साथ लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में भी बात करूंगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखना, ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलते रहे और आप इजिली वीडियो को एंजॉय करते। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इसी फायरबोल्ट अल्माइटी की डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस यहां पर आपको 1.4 इंच की एक सर्कुलर फेस की डिस्प्ले मिल जाने वाली है। यहां पर एक अमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जहां पर ऑलवेज ऑन का भी आपको सपोर्ट मिल जाने वाला है। पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 454x454 का आपको पिक्सल रेजोल्यूशन भी मिल जाता है। और दोस्तों आपको फायरबोल्ट अल्माइटी में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। तो गाइस यहां पर आपको बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर ऑलरेडी दे रखा है। तो गाइस कॉलिंग फीचर से आप डायरेक्टली अपने स्मार्ट से डायल भी कर सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो और कॉन्टेक्ट भी सेव कर सकते हो, डायरेक्टली उससे भी कॉल करके बात कर सकते हो। तो गाइस ऐसा कुछ होने वाला है इसी फायरबोल्ट अल्माइटी स्मार्ट वॉच। और दोस्तों यहां पर फायरबोल्ट अल्माइटी में मेजरमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आपको हार्ट रेट मेजरमेंट, स्लीप रेट मेजरमेंट, SpO2 मेजरमेंट एंड आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल टाइप के मेजरमेंट्स वगैरह भी आपको ये सारे कुछ दे दिया जाता है। इन सब के अलावा दोस्तों आपको फायरबोल्ट अल्माइटी में 11 के अप्रोक्सीमेट आपको स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको फायरबोल्ट अल्माइटी में वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर दे रखा है। तो गाइस आपको वॉइस असिस्टेंट से आप गूगल असिस्टेंट एज वेल एज आप सीरी को भी एक्सेस कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फायरबोल्ट अल्माइटी बैटरी बैकअप वगैरह के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के आसपास आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसी फायरबोल्ट अल्माइटी में। इन सब के अलावा दोस्तों इसी फायरबोल्ट अल्माइटी में आपको और भी स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का फीचर दे रखा है। तो गाइस आप जिस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन इनेबल करने वाला है उन सब का नोटिफिकेशन आपकी स्मार्ट वॉच पर आने वाला है। तो गाइस ये काफी अच्छा रहने वाला है, आप कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर आपको म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल का भी ऑप्शन दे देता है। तो गाइस आप कैमरे के पिक्चर्स को भी कंट्रोल मतलब क्लिक कर सकते हो और म्यूजिक को भी चेंज वगैरह कर सकते हो अपने ही स्मार्ट वॉच से। और यहाँ पर दोस्तों आपको वेदर फॉरकास्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है दोस्तों स्पेसिफिकेशन फायरबोल्ट अल्माइटी स्मार्ट वॉच की। यहाँ पर आपको 1.4 इंच की डिस्प्ले, यहाँ पर अमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, ऑलवेज ऑन का भी फीचर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर एंड आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी फायरबोल्ट अल्माइटी के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो गाइस इसका लॉन्च डेट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रहने वाला है। इसकी प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों तो वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इसकी प्राइस आपको 4,500 तक देखने को मिल सकती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी फोड़ देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर पहुंचती रहे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑलवेज लाइव हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।